सो हेलो एवरीवन, इफ़ यू आर न्यू हेयर, आई एम धीरज मौर्य फ्रॉम आईआईटी रुड़की सेकंड ईयर। इसकी वीडियो में हम बात करेंगे जो कि हम नॉर्मली बात नहीं करते, क्योंकि एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड। सो हेयर इज अ वीडियो फॉर यू गाइस। तो भाई मैं एक चीज़ कहूँगा, फ़र्क नहीं पड़ता आपके नाइन्थ में कितने हैं, फ़र्क नहीं पड़ता आपके इलेवंथ में कितने हैं, फ़र्क नहीं पड़ता आपके फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में कितने हैं, आप बचपन से टॉप पर रहे हो या नहीं रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर दिस इज़ द रियलिटी कि टेंथ और ट्वेल्थ में आपके सबसे ज़्यादा नंबर आने वाले हैं अभी तक की आपकी लाइफ के। तो एंड दिस इज़ अ फैक्ट, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। टेंथ में और ट्वेल्थ में इन दो बोर्ड्स में आपके सबसे ज़्यादा नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपको विश्वास नहीं हो तो अभी कमेंट में लिख दो, और जब आपके बोर्ड्स हो जाएं तो देख लेना कि कमेंट, उस पर दोबारा अप्लाई कर देना कि हाँ हो चुका है। सो हियर आर सम टिप्स हाउ यू कैन स्कोर वेल इन योर बोर्ड्स 2024। सो द फर्स्ट एंड फर्स्ट टिप इज पूरा पेपर मत देखना। तो मैं क्यों कह रहा हूँ पूरा पेपर मत देखना, क्योंकि यार जब तुम पूरा पेपर देख लोगे ना, तो उसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जो तुम्हें नहीं आते होंगे, तो अगर नहीं आते होंगे तो यार थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और फिर तुम उसकी वजह से पूरा पेपर ख़राब कर दोगे, उसमें प्रेशर में आके तुम पूरा पेपर बिगाड़ दोगे। तो पूरा पेपर स्टार्टिंग में मत देखना। सो द पॉइंट नंबर टू इज़ मेंटेन योर स्पीड। तो बोर्ड एग्जाम में स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि यार तुम्हें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल लिखना होता है। इफ़ यू आर जे ई एस्पिरेंट तो तुम्हें लिखने की इतनी आदत नहीं होती है, और थोड़ा तुम्हें स्पीड पे वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा बोर्ड्स के लिए एक अलग तुम्हें सेटिंग देनी पड़ेगी अपने, तुम सैम्पल पेपर लगा सकते हो, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम में ऐसा होता है कि काफ़ी बच्चों का छूट जाता है एग्जाम, तो ऐसा तुम्हारे साथ ना हो। तो ट्राई टू मेक स्पीड फ्रॉम स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन रखना, ताकि ऐसा ना हो कि तुम एंड तक आते आते चाइनीज़ लिखने लगो। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लिखोगे और फिर एंड में आते आते चाइनीज़ लिखने लगो, तो दिस शुड नॉट बी इन योर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। थर्ड यही टिप है हमारी। द थर्ड टिप इज फोकस ऑन हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो भाई जितने बॉक्स बना सकते हो, जितना हैंड राइटिंग अच्छी कर सकते हो, जो कर सकते हो ना, बड़े बड़े आंसर लिख सकते हो, लेकिन हाँ बड़े आंसर मतलब ये नहीं कि तुम बेफालतू का इंक्रीज करो और बेफालतू में मतलब ज़बरदस्ती बढ़ाओ ऐसे, मतलब तुम्हें पूरी कथा नहीं लिखनी है, तुम्हें बस अपने ब्रीफली समझाना है जो तुम लिख रहे हो। तो इफ़ यू कैन डू दिस यू कैन स्कोर वेल। और प्रेजेंटेशन ऐसे बॉक्स बना सकते हो, ठीक है, स्केल से लाइन खींच के, और एक शीट पर एक ही आंसर लिखना, तुम्हारे पास पेपर की कोई कमी नहीं रहती है, जितना तुम लेने चाहो, जितनी शीट्स तुम चाहो, बहुत पेपर हैं, तुम एक्स्ट्रा शीट लो, जितनी शीट लो, तुम दो तीन चार जितनी शीट लेनी उतनी शीट ले लो, लेकिन योर कॉपी शुड बी नीट एंड क्लियर। तुम्हारी कॉपी देखते साथ ही टीचर का दिमाग ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जगहों पर टीचर जब चेक कर रहा होता है अच्छी राइटिंग में, तो वो गलत आंसर को भी सही टिक कर देता है, क्योंकि कॉपी अच्छी लगती है, तो ही थिंक्स कि हाँ इट्स ओके, अच्छा ही सही लिखा होगा। तो बहुत बार ऐसे नंबर मिल जाते हैं, तो गाइस राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो द फोर्थ टिप इज रिड्यूस योर सोशल मीडिया इंटरेक्शन। तो भाई अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या कुछ भी चलाते हो, भाई बंद कर दो। यूट्यूब चला सकते हो, लेकिन हाँ काम की चीज़ें देखना जो कि आपके मतलब की है, क्योंकि एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं फॉर श्योर, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। और गाने भी नहीं सुनो, स्टॉप लिसनिंग म्यूज़िक, क्योंकि जब आप बोर्ड्स दे रहे होगे तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोर्ड्स दे रहे हो और आपके दिमाग में चल रहा है अप्पा फेर मिला, तो ध्यान देना भाई, ये सब नहीं होना चाहिए। तो द फिफ्थ टिप इज मेक डेडलाइंस। तो डेडलाइन स्ट्रेटजी काफ़ी लोग फॉलो करते हैं अलॉन्ग, नॉट ओनली इन बोर्ड्स, ऑल्सो इन अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नीट। तो भाई डेडलाइंस ना मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद होती है डेडलाइंस, अगर मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होती है ना, अचीव करनी होती है, आई मेक डेडलाइंस। कुछ उस डेडलाइन से आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको ये चीज़ इतने टाइम से पहले ख़त्म करनी है। तो क्रिएट योर डेडलाइंस, कुछ भी हो सकती है वो, के डेडलाइंस इफ़ यू कैन गिव योर सेल्फ डेडलाइन कि आपको आज के दिन पे ये टारगेट कंप्लीट करना है, नो मैटर कितने भी घंटे लग जाएं, गिव योर सेल्फ डेडलाइन एंड रब योर एस ऑफ। सो द सिक्स्थ टिप इज
एंड में मत पढ़ना भाई, मतलब एंड में पढ़ाई मत करना, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम के एक घंटे पहले पढ़ रहे हो, दो घंटे पहले पढ़ रहे हो, एक रात पहले पढ़ रहे हो, तो उसमें आपका लाइक ज़्यादा ब्रेन हो गया था, जब दूसरे दिन एक्टिवली काम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली यार यू विल फेस प्रॉब्लम्स व्हाइल गिविंग योर बोर्ड एग्जाम्स। तो भाई एंड में मत पढ़ना बिल्कुल, एंड में जब पढ़ के जाओगे तो जो पढ़ा होगा वो भी भूल जाओगे। तो अभी बोर्ड्स को एक महीना है, तो एक महीने में तुम क्या कर सकते हो, PYQs लगा सकते हो, PYQs जितने हो सके उतने PYQs लगाओ और सैम्पल पेपर लगाओ, जितने हो सकते उतने लगाओ। लाइक मैं आपको बताऊँ, मैंने भी जब मैं अपना बोर्ड्स दे रहा था तो मैंने भी करीब 20 सैम्पल पेपर हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में करे थे, और 20 प्लस ही लगा सकते हो, और अगर आप 20 लगा रहे हो तो इट्स गुड नंबर, ओके। तो 20 सैम्पल पेपर PYQs लगाओ, और PYQs भी लगाने विदाउट नॉट ओनली सैम्पल पेपर, PYQs भी लगाओ, और जितना हो सके मतलब अपनी तरफ से अभी एंड में दे सकते हो तो दे दो, और फिर बट लास्ट डे पे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, मतलब पढ़ सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग आपको लोड नहीं देना है, आपको दिमाग को रेस्ट देना है, जिससे आप एक्टिवली, आपका माइंड एक्टिवली फोकस कर सके ऑन द टाइम ऑफ बोर्ड्स, ओके। सो द 7th पॉइंट इज ट्रस्ट योर सेल्फ। तो भाई अगर आप पढ़े हो पूरे साल अच्छे से, नो मैटर आप जेई का पढ़े हो, सिलेबस तो एक ही है भाई, और थोड़ा लिखने का ट्राई करना कि लिखते कैसे हैं, लाइक अगर सैम्पल पेपर्स लगाओगे तो यू विल बी गेट टू नो कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। अपना आपके जो भी टीचर हो, आपके जो जिनसे आप पढ़ते हो, उनसे आप पूछना कि सर बोर्ड्स में लिखते कैसे हैं, तो वो ही विल गिव यू द ब्रीफ, पॉइंट्स में बना के लिख सकते हो। मेक श्योर कि आप जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा पॉइंट्स में लिखो। सो द 8th टिप इज डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड, क्योंकि यार बोर्ड्स में स्टेप मार्किंग के नंबर बहुत सही मिलते हैं, लाइक हमेशा अच्छे ही नंबर मिलते हैं। अगर मान लो आपका आंसर नहीं भी आया, अगर आपने पूरा क्वेश्चन किया 6 नंबर का और उसमें आपका आंसर नहीं आया, मतलब आंसर नहीं आया और आपका बाकी स्टेप्स सही हैं, तो यू विल गेट 4 मार्क्स, ओके। और अगर आपका सिर्फ आंसर गलत है और एंड तक भी बिल्कुल एंड तक सही है तो यू विल गेट 5, योर आंसर इज ऑल्सो गुड, तो 6 नंबर्स फॉर श्योर योर्स। जितना हो सके उतना अटेम्प्ट करके आना, छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस मार्किंग होती नहीं है बोर्ड्स में, तो ऑब्वियसली यार यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, तो करते जाओ भाई, और बहुत जल्द बोर्ड्स आने वाले हैं, तो गाइज ऑल द बेस्ट आप सभी को, और करते जाओ भाई, मेहनत करते जाओ, और फिर जेई में लग जाना, जितने भी जेई हमारे एस्पिरेंट्स हैं, नीट वाले एस्पिरेंट्स हैं, बोर्ड्स दिए जैसे ही ख़त्म करो और फिर सीधे अपना जेई में लग जाओ, और भाई मेहनत करो, मेहनत कभी तुम्हारी वेस्ट नहीं जाने वाली है। तो और कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि 75% क्राइटेरिया मुझे तो करना ही है, एटलीस्ट 75% तो आनी चाहिए, तो यार 75% इज़ नॉट अ वेरी बिग नंबर, बहुत मिनिमल एफर्ट से भी तुम 75% ला सकते हो, 75% के लिए तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है भाई, इतनी यू एम फॉर 90% देन यू विल बी स्कोरिंग एटलीस्ट 85%, ओके। सो फ़र्क नहीं पड़ता आपके 9th में कितने हैं, फ़र्क नहीं पड़ता आपके 11th में कितने हैं, फ़र्क नहीं पड़ता आपके 6th 7th में कितने आए, आप बचपन से टॉपर रहे हो या नहीं रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर दिस इज़ द रियलिटी कि 10th और 12th में आपके सबसे ज़्यादा नंबर आने वाले हैं अभी तक की आपकी लाइफ के। पर हाँ, ऐसा भी नहीं है कि अपने आप आ जाएंगे, तो मैं उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं मतलब ऐसा नहीं कि तुम सीधे, भैया ने तो बोला था कि सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे तो आ गए, ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा भी नहीं होगा। तो मैं मेहनत करनी पड़ेगी, अपने एग्ज़ाम के लिए टाइम देना पड़ेगा, अलग से निकालना पड़ेगा, तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ और स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्टडीज़, और अपनी तरफ से पूरी जान लगा दो, और फिर खुद देख लेना कि भाई तुम्हारे सबसे ज़्यादा नंबर इसी में आएंगे। और जितने भी जेई एस्पिरेंट्स हैं, अगर आपको लग रहा है आपके 75% भी नहीं आएंगे, तो क्यों सोच रहे हो भाई, जेई एस्पिरेंट हो तुम, जेई तुम बोर्ड के लेवल का भी ऊपर का पढ़ रहे हो भाई, तुम अगर बोर्ड के लेवल का ऊपर पढ़ रहे हो तो भाई बोर्ड्स तो वाले कुछ भी नहीं है भाई, इतना तो भरोसा रखो 75% तो आ सकते हैं, भले ही चाहे तेरे उससे पहले ना आए हो, तुम्हें 9th में ना आए हो, 11th में ना आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे प्री बोर्ड में ना आए हो, पर बोर्ड्स में तेरे हाईएस्ट आने वाले हैं तेरी लाइफ के। और बस थोड़ा राइटिंग अच्छी लिखना, चाइनीज़ मत लिखना, बस चाइनीज़ जैसे तुम देखो, अब तुम इंग्लिश के पेपर में चाइनीज़ लिखोगे तो नंबर कहाँ से मिलेंगे, है ना, तो डायग्राम वाइग्राम बना देना मस्त एकदम, बॉक्स बॉक्स बना के, ठीक है, और बढ़िया फ्लो वाला पेन लेके जाना, जिससे टीचर भी फ्लो हो जाए तुम्हारी राइटिंग पे, ठीक है, तो लिखना आना चाहिए।
और बाकी बोर्ड्स में भाई अच्छा स्कोर हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी बिल्कुल जीरो प्रिपरेशन है, मान लो कुछ लोग हैं कि जिनकी बिल्कुल बोर्ड्स पे भी एकदम जीरो प्रिपरेशन है, तो यार एक काम करो, यूट्यूब पे आप जाओ, उस पे डालो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड्स, बस तुम इतना डाल दो, उस पे बहुत सारी वीडियो आएंगी, जो भी देख लो, मतलब एक दो वीडियो देख लेना, उससे तुम्हें मेन चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो मेन चैप्टर्स है वो करके चले जाओ, कि एक 28 रूल होता है। ठीक है, तो मतलब कवर द 20% ऑफ सिलेबस एंड स्कोर 80% ऑफ मार्क्स। ओके, सो इट्स नॉट टाइम कि आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओ, और जितना हो सके उतना कर पाओ, तो ट्राई टू डू स्मार्ट वर्क। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर गिविंग मी टाइम। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, और इफ यू वॉन्ट मोर कंटेंट लाइक दिस, आई एम फ्रॉम IIT रुड़की, सो आई डू डेली व्लॉगिंग, 365 डेज 365 व्लॉग्स फ्रॉम हेयर फ्रॉम IIT। ओके, सो इफ यू लव व्लॉगिंग और इफ यू लव IIT रुड़की कैंपस, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड दिस इज द 61st वीडियो ऑफ अवर चैनल। एंड और बोर्ड्स फोड़ के ही आना, और कमेंट में लिख दो कि भैया मैं फोड़ दूंगा एक बोर्ड्स।